मतारी वंदन योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मतारी वंदन योजना की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए ताकि महिलाएं अपनी सुविधा से फॉर्म भर सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शिक्षा व्यवस्था वाले बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि मिडिल क्लास हो या गरीब लोगों के बच्चे हैं, उन्हें सुविधा मिल रही थी। इसके साथ ही वित्त मंत्री की निःशुल्क रेट प्रदान करने की घोषणा पर भी भूपेश बघेल ने तंज कसा। मैं कल भी बोला था कि मातारी वंदना की डेट बंद नहीं होना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपनी सुविधा के हिसाब से वो फॉर्म भरे, उसमें क्यों रोक टोक होना चाहिए। जब आपकी योजना है, योजना को अभी फॉर्म भरेंगे उसके बाद भरने का मौका नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, अब मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, गरीब लोग के बच्चे हैं, उसको इससे बड़ी सुविधा मिल रही थी, उसमें लोगों को सुविधा मिल रही, इसमें कहाँ गड़बड़ी है। ये तो हर चीज़ में गड़बड़ी करके सब बंद कर रहे हैं, गोबर खरीदी बंद कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए हैं, अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो खुला था सैकड़ों तादाद में उसको अब वो ला रहे हैं। अब कार्यकाल समाप्ति पे प्रधानमंत्री क्या श्री बन पीएम श्री योजना अब कब लागू होगा, अभी तो कोई शिक्षा सत्र भी नहीं है, ये तो एग्ज़ाम का समय है, ये तो केवल सब्जी बात दिखाने के लिए और हमारी योजनाओं